खाने के शौकीन तो हम सब होते हैं, पर हमारे ही बीच कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग लोग हैं जिन्हें ह्यूमन फ्लैश खाने का शौक होता है। हमारी आज की स्टोरी एक ऐसे ही कपल के बारे में है जिसे मीडिया ने नाम दिया द कैनिबल कपल। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है डिमिट्री बैकशीवा और नटालिया से। सबकी तरह आम सा दिखने वाला ये कपल अपने अंदर इतने हॉरिफिक राज छुपाए बैठा था जो हमें आगे पता चलेंगे। डिमिट्री का जन्म 1982 और वहीं नटालिया का जन्म 1975 रशिया में हुआ था, और यही कपल आगे जाके वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल मर्डरर्स बनने वाले थे। इनका केस लाइमलाइट में आया 2017 में जब पुलिस को एक लॉस्ट फोन मिलता है, और जब वो इसकी गैलरी स्क्रॉल करते हैं तो उनके वन ऑफ द स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के भी होश उड़ जाते हैं। वो लोग कई दिनों तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस गैलरी को स्क्रॉल करने के दौरान उन्हें एक आदमी दिखता है जो एक डिसमेंबर्ड हाथ खा रहा होता है, और उसी के बगल में एक सर होता है जिसे ऑरेंजेस के साथ डेकोरेट किया गया था। उसमें कई सारी ऐसी सेल्फीज थी जो कि बहुत ही ज्यादा नर्व चिलिंग थी, और शायद यही इंसान इस केस का कल्प्रिट होने वाला था। इस कहानी की शुरुआत होती है डिमिट्री के बचपन से, जो कि एक ऑर्फन था, और जब वो सिर्फ 3 साल का था तब उसे एक कपल अडॉप्ट कर लेता है। डिमिट्री सबसे ज्यादा क्लोज अपनी माँ से था, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो सिर्फ 15 साल का था तब उसकी माँ की डेथ हो जाती है कैंसर से। डिमिट्री अभी तक इस दुख से उभरा भी नहीं था कि उसके फादर उसे घर से निकाल देते हैं। अब डिमिट्री को अपना गुजारा करने के लिए भी क्राइम की दुनिया में कदम रखना पड़ता है। वो धीरे धीरे छोटी मोटी चोरियां, रॉबरीज, कार स्टीलिंग करना शुरू कर देता है। इन सारी स्टीलिंग और रॉबरीज के बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, और ड्यूटीफुली अपना प्रिजन में टाइम बिताने के बाद डिमिट्री बाहर आता है, और धीरे धीरे उसे अल्कोहल की लत लग जाती है। उसके फेलो कोवर्कर्स की माने तो वो काफी अनटाइडी टाइप का इंसान था, और इसी दौरान एक क्लब में उसकी मुलाकात होती है उसकी फ्यूचर वाइफ से, जिसका नाम था नटालिया। अगर नटालिया के चाइल्डहुड की बात की जाए तो उसका चाइल्डहुड काफी स्टेबल सा था। हालांकि उसकी माँ की डेथ काफी बचपन में ही हो जाती है, और उसकी परवरिश उसकी दादी ने की थी। नटालिया एक डॉक्टर बनना चाहती थी, और इस चीज की पढ़ाई करते हुए बड़े होकर वो एक नर्स बनती है। नटालिया की आगे चल के 2 शादियां होती हैं, बट वो दोनों ही शादियां अनसक्सेसफुल रहती हैं। इसी के बाद उसकी मुलाकात होती है डिमिट्री से, और इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। वो दोनों शुरुआत में एक हॉस्टल में रहते हैं, और डिमिट्री की ही तरह नटालिया भी एक अल्कोहलिक थी, और चीजें तब और ज्यादा खराब हो जाती हैं जब अल्कोहल के साथ वो दोनों इल्लीगल सब्सटेंसेस और ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। इस कपल की अगर बात की जाए तो ये दोनों ही लोग काफी ज्यादा एंटी सोशल थे, इन्हें बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं था। इन दोनों की वॉयलेंट टेंडेंसीज की शुरुआत होती है 1999 में, जब ये अपने हंट पे निकलते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही शौक था, लोगों को टॉर्चर करना और उन्हें मार देना, और इसके पीछे उनका सबसे बड़ा पर्पस था ह्यूमन ब्लड एंड ह्यूमन फ्लैश। उसे इस चीज की इतनी ज्यादा लत लग चुकी थी कि वो ह्यूमन फ्लैश को कैंस में स्टोर करके रखना शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ वो इसे खुद कंज्यूम करते हैं, बट कई सारे रिपोर्ट्स की मानी जाए तो वो इस फ्लैश को प्रिपेयर करके अपने नेबर्स के साथ भी शेयर करते थे। इनफैक्ट नटालिया जिस स्कूल में काम करती थी वहां पर भी कई बार इन लोगों ने इसे प्रिपेयर करके डिस्ट्रीब्यूट किया था। आज तक एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इस चीज का कोई फिक्स नंबर निकल के नहीं आया कि उन दोनों ने मिलकर कितने लोगों का मर्डर किया और कितने लोगों को ब्रूटली टॉर्चर किया था। हालांकि सितंबर 11, 2017 में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अपना काम कर रहे थे जब उन्हें एक फोन मिलता है रोड के साइड में फेंका हुआ। जब वो इस फोन को स्क्रॉल करते हैं तो सरप्राइजिंगली उसके अंदर उन्हें इतनी जब वो इस फोन को स्क्रॉल करते हैं सरप्राइजिंगली उस फोन में कोई पासवर्ड नहीं लगा था, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग अपने क्राइम को लेकर कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। हालांकि जब वो उसकी गैलरी स्क्रॉल करते हैं तो उन्हें कई सारी हॉरिफिक पिक्चर्स उसके अंदर मिलती हैं। इस चीज से डिस्टर्ब होते हुए
वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है और जब वो खुद उन फोटोज को स्क्रोल करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो कितने बड़े क्राइम को विटनेस करने वाले थे। उस सिम कार्ड के थ्रू जब उसके ओनर का पता लगाया जाता है तो नाम निकलता है डिमिट्री बैकशीवा। पुलिस उनके घर पहुंचती है और जब वो उनके घर का नजारा देखती है तो वो भी चौंक जाते हैं। हर तरफ सिर्फ सामान ही सामान बिखरा हुआ था। इतना मुश्किल था कि उस घर के फ्लोर तक को देखना मुश्किल हो जा रहा था। उन्हें कई सारे फोटोज का स्टैक मिलता है जिसमें दिखते हैं कि उन्होंने कई सारे ह्यूमन को डिसमेंबर करके उनके पोलराइड पिक्चर्स खींचे थे। इनफैक्ट जब पुलिस उनके किचन में पहुंचती है तो काफी सारे क्लटर्स के नीचे उन्हें 3 रेसिपी बुक मिलती है जो खुद नटेलिया की हैंडराइटिंग में थे, जिसमें उसने एक एक ह्यूमन बॉडी पार्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, किस पार्ट से कौन सी डिश बन सकती है, उसकी प्रॉपर रेसिपी लिखी हुई थी। कड़ी पूछताछ के बाद ये पता चलता है कि लगभग उन दोनों ने मिलके 30 लोगों को मारा था। उनके मारने का तरीका बिल्कुल सिंपल था। वो बाहर से लोगों को घर लाते थे, उनकी ड्रिंक्स में कुछ मिलाते थे जिससे वो सारे अनकॉन्शियस हो जाएं, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो दोनों उसके बाद उसे मारकर उसे डिसमेंबर कर देते थे। और ना कि सिर्फ उसे मारते थे बल्कि कई दिनों तक उसके फ्लैश को एज अ मील यूज करते थे। इनफैक्ट उनके घर में पुलिस वालों को कई सारी विग्स मिली और जब वो पास जाकर उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई विग नहीं बल्कि ह्यूमन हेयर है। नटेलिया की रेसिपी बुक के साथ साथ उन्हें एक प्रॉपर वीडियो मिलता है जहां पर वो खुद बता रही होती है कि कैसे इससे कोई डिश बनाई जा सकती है। सभी इन्वेस्टिगेशन के बाद नटेलिया को गिल्टी प्रूफ कर दिया जाता है, जिसे उसे 10 साल की सजा मिलती है और ये सजा उसे एग्जाइल कॉलोनी में बितानी थी, जिसका मतलब था कि उसे आम प्रिजनर्स से बिल्कुल अलग रखा जाएगा और ये काफी ज्यादा कड़ा प्रिजन होता है। कि डिमिट्री बैकशीवा को 12 साल और 2 महीने की सजा मिलती है मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल में, क्योंकि उसे ही इन सारे क्राइम्स के लिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल माना गया था और नटेलिया सिर्फ एक उसकी अकम्प्लिस थी, एक उसकी कंपेनियन थी। कुछ टाइम के बाद हाई डायबिटीज के वजह से डिमिट्री की डेथ हो जाती है। वहीं नटेलिया आज भी अपना टाइम जेल में पूरा कर रही है। कई सारे लोगों की अगर माने तो डिमिट्री और नटेलिया कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहे थे और शायद किसी बहुत बड़े क्राइम का बोझ वो अपने सर पर ले रहे थे। इनफैक्ट कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि इन सब के रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ नटेलिया थी, और क्योंकि डिमिट्री उसके प्यार में इतना ज्यादा पागल था कि वो उसे बस इन सभी चीजों में सपोर्ट कर रहा था ताकि वो खुश रह सके। उनके कई सारे विक्टिम्स में से जो लास्ट विक्टिम थी उसका नाम था एलेना वैकचेस्का, जिसकी सिर्फ छोटी सी बहस नटेलिया से हो गई थी, जिसके बाद उसने अपने हस्बैंड को बोला कि इसे मार दो। और बस इतना सुनते ही डिमिट्री ने अपने पॉकेट से पॉकेट नाइफ निकाला और उसे स्टैब करना शुरू कर दिया। उसके मर जाने के बाद उन दोनों ने उसके बॉडी के कई सारे छोटे छोटे हिस्से किए, कुछ पार्ट्स को कंज्यूम किया और बाकी को उन्होंने फेंक दिया। उन दोनों ने मिलकर लगभग 30 लोगों को मारना कबूल किया। हम ये कह सकते हैं कि इस क्राइम को रोका जा सकता था अगर डिमिट्री और नटेलिया कभी मिले ही ना होते। आफ्टर ऑल लव इज रियली ब्लाइंड। Don't forget to like, share and subscribe to our channel.